हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इसकी आगे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ओके, आप लोग जो हैं वो कल से आगे प्रोसीड करें, नोट करें। जरा लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स नंबर वन मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि फार्मूला में एम आर स्क्वायर है इसलिए मास पर डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स मास ऑफ द बॉडी। सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए जैसे ये रॉड है, अगर आप सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अलग है, एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है। एल लेंथ है, एम मास है, एम एल स्क्वायर बाई 12। कॉर्नर के अबाउट निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 है। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। उसका क्यों होगा चेंज? क्योंकि जो मास है आपका, ध्यान दें थ्योरी पर, कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिया आपने तो कोई मास ले लो यहाँ पर, तो इसकी डिस्टेंस इतनी है। अगर आपने यहाँ से ले लिया तो उसकी डिस्टेंस चेंज हो गई। तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे, मान लो यहाँ की बजाय इधर ले लें, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो, ठीक है ना। एम आर स्क्वायर में आर चेंज हो गया, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखें, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए जो ओरिएंटेशन की थोड़ा आगे बताएंगे एक दो फार्मूलों में, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाल रहे हैं ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो, ठीक, इसके अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है। कॉर्नर के अबाउट का मतलब यही है कि ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे कर दें, उनके फार्मूले अलग है, समझ गया ना। इसका मतलब ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये तो नेचुरल है, साइज पर डिपेंड करेगा, शेप पर डिपेंड करेगा। लास्ट पॉइंट लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। दूसरी बात कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो बॉडी सेम मास की हो लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेट हो, ठीक। हम दो रॉड ही ले लें, एक ये रॉड ले लिया, एक रॉड ये ले लो, मान लीजिए इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए आप कॉर्नर के अबाउट निकाल रहे हैं, आप मास इधर कम कर दें डेंसिटी या इधर डेंसिटी को बढ़ा दें, तो डिस्टेंस बढ़ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि किस तरह का है। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसमें दो थ्योरम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर डेरिवेशन में उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप इसमें ऊपर हेडिंग डालें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है कि जैसे मान लो ये बॉडी का सीएम है कोई, ये हमने कोई सभी बॉडी, यहाँ जब बात की जाएगी रोटेशनल डायनामिक्स में बॉडी की तो उसका मतलब है कि वो रिजिड बॉडी है, ठीक। ये नेचुरल फिनोमिना है, अगर कोई न्यूमेरिकल में बॉडी लिखी है तो समझ लेना कि वो रिजिड बॉडी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है कि अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है ICM इस पर, ठीक, और हम इसके ठीक पैरेलल एक एक्सिस लें डी डिस्टेंस पर और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट यानी कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है, तो जो सेंटर ऑफ मास में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको लें प्लस बॉडी का मास लें और जो डिस्टेंस है ये वाली इसका स्क्वायर कर दें। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें, जो भी फार्मूला हो आपको फार्मूले ड्राइव कराए जाएंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए, समझ गया ना। उसके बाद आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालें तो जो पैरेलल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करें,
मास मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें, ठीक। ये आपका नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकल आएगा, ए और एडेस के अबाउट। ये सीएम है, ये वाला पॉइंट, तो सीएम के अबाउट ये है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। जैसे आप एग्जांपल समझ लें पहले, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये रॉड है, अभी आज ही इसका हम लोग ड्राइव करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा ना, ठीक। तो इसका जो सीएम है ये यहाँ होगा, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है और इसका मास एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। ये डेरिवेशन है, इसको तो लर्न करना पड़ेगा, समझ गए ना बात। अब हमें जैसे ये है पेन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर के अबाउट, इसका मीनिंग समझते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये बॉडी अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रही होगी, तो फार्मूले में जो आई डाला जाएगा वो एम एल स्क्वायर बाई 12 डाला जाएगा। अरे बात समझ में। अगर कॉर्नर के अबाउट रोटेट हो रही होगी तो फिर एम एल स्क्वायर बाई 12 नहीं डालेंगे, तो क्या निकलेगा। मान लीजिए हमारा एक्सिस ये, पहली बात अच्छी तरह से हेडिंग समझ लें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए ये एक्सिस है, अभी ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सीएम से, अंदर से होगा, ठीक। सीएम से बिल्कुल इसके पैरेलल आओ, ये आ गया, ठीक। अब इसके अबाउट, यानी दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, पैरेलल, नाम ही है उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझ गए ना। एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट करो, ठीक। तो अब जरा बताएं, यहां पर आप फार्मूला लगाएं जरा। मान लीजिए हमें ए और ए डेस ले लिया हमने एक्सिस ये, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ए और ए डेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, आई सी एम लें, मास लें इसका बॉडी का, फार्मूला है यूज करना है सीधे सीधे, मास लें बॉडी का, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, एल बाई टू, और इसका होल स्क्वायर कर दें, तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, ये एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। फिर आप जब डेरिवेशन करेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा, हमने केवल थ्योरम को समझाने के लिए यहाँ आपको बताया है, समझ गए ना। ये इसका शिफ्टिंग का मतलब है यहाँ पर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो नोट तो कर ही लें आप, एग्जाम्पल में नोट कर लें पैरेलल। अब स्टेटमेंट हम लिखाएंगे आपको, ठीक है। आप ये फार्मूला डायग्राम बनाएं, उसमें डी डिस्टेंस दिखाएं और ये फार्मूला नोट करें, आई ए डेस इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है ना, और आगे एग्जाम्पल डालें, उसमें ये रॉड बनाएं, उसमें लेंथ एल दिखाएं, रॉड बनाएं, उसकी लेंथ एल लें, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर दिखाएं और एक्सिस दिखाएं पैरेलल, जो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम ड्राइव करेंगे एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। उसके बाद इस एक्सिस पर निकालना है, आप कहीं भी निकाल सकते हैं, हमने कल आपको, जरूरी नहीं एल वाई 2 पर हो, बीच में कोई पॉइंट हो सकता है, एल वाई 3 एल वाई 4 कुछ भी ले लें, लेकिन एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। रॉड को बनाएं, और डायरेक्ट यहां पर नोट कर दें एम एल स्क्वायर बाई 3, वो प्लस करने से आ जाएगा। इसका मतलब सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, ठीक। बहुत कॉमन है रॉड का। अब आप थ्योरम लिखें और उसको ड्राइव करेंगे, लिखिए, इट स्टेट्स दैट एमआई ऑफ ए बॉडी, एमआई ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, एमआई ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एम आई इज इक्वल टू एम आई अबाउट पैरेलल एक्सिस। इट स्टेट्स दैट एम आई ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू एम आई अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सीएम। एम आई अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सीएम प्लस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस तो आप डायग्राम नीचे डेरिवेशन लिखें, डायग्राम बना लें। ये हमने सीएम यहां पर लिया है, डेरिवेशन नोट करें, डायग्राम बना लें। सीएम जो सीएम से लाइन पास हो रही है उसको हमने के एल लिख दिया, इसको ए बी नोट कर दिया और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहां एच ले ली है। फार्मूला के डेरिवेशन के लिए हमें पार्टिकल में डिवाइड करना पड़ता है। हम अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड न करके एक सिंगल पार्टिकल आईएथ ले लेंगे। यहां पर एक मास ले लीजिए आप, इसके ऊपर ये कोई हमने जनरल पार्टिकल यहां पर ले लिया एम आई, इसकी डिस्टेंस यहां से सीएम से आर आई है। आप ये बात समझ गए होंगे, कल हम लोगों ने फार्मूला लिखा था एम वन एम टू एम थ्री, बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं लें, एक आईएथ पार्टिकल, डिस्टेंस कितनी आर आई, ठीक। आई की वैल्यू वन टू थ्री डॉट डॉट होगी, ठीक, और यहां से डिस्टेंस इसकी एच है, ये गिवन है, ये डिस्टेंस आर आई है। जो हमारा आई सी एम है, पहले थ्योरी लिखाएंगे, आई सी एम इज इक्वल टू यही आई के एल है, सी एम से पास हो रहा है। नीचे नोट करें, लिखिए, सपोज द रिजिड बॉडी, सपोज द रिजिड बॉडी is made up of, suppose the rigid body is made up of n particles of masses, n particles of masses small n है, n particles of masses m1 comma m2 dot 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 mn एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वन एम टू डॉट 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 एम एन एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर वन कॉमा आर टू डॉट 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 आर एन। बहुत सारे डेरिवेशन में लाइन लिखनी पड़ती है, कॉमन लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर वन आर टू डॉट 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 आर एन फ्रॉम एक्सिस के एल, जो भी नाम दे दें आप, फ्रॉम एक्सिस के एल, या एग्जाम में लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सिस पासिंग थ्रू सीएम, फ्रॉम एक्सिस के एल पासिंग थ्रू सीएम ऑफ द बॉडी, पासिंग थ्रू द सीएम ऑफ द बॉडी। तो हम समझते हैं कल की थ्योरी से आप समझ गए होंगे कि आई इज इक्वल टू वन वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आई सी एम इज इक्वल टू आई के एल सिग्मा आई वन टू एन एम आई आर आई होल स्क्वायर। आप सारे पार्टिकल को प्लस करके लिखें और चाहे डायरेक्ट लिखें, एक ही बात है। अब जरा ये बताएं डायग्राम से अपने कि जो ए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ए बी के अबाउट कितना होगा, ए और बी के अबाउट, ठीक। तो यहां से डिस्टेंस कितनी है पार्टिकल की यहां से यहां तक, एम आर स्क्वायर में आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया तो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक
इतनी है, आर आई प्लस एच है, ठीक है ना। तो नोट करें, नीचे लिखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आईथ पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आईथ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आईथ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ए बी इज इक्वल टू आर आई प्लस एच इज इक्वल टू आर आई प्लस एच, ठीक लगा दो फार्मूला। हेंस आई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई, इसकी जगह आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर। आई ए बी, अब इसको होल स्क्वायर को ओपन करें, आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू टाइम्स आर आई एच, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। अब इनको जरा सेपरेट कर दें, सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई, यहाँ पर आर आई है, आर आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई एच स्क्वायर प्लस टू टाइम्स सिग्मा एम आई आर आई एच आई इज इक्वल टू वन टू एन, कुछ नहीं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस क्वांटिटी का, तीनों में अंदर फटाफट मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर एच ध्यान दें, एच कांस्टेंट होगा क्योंकि डिस्टेंस है वहां से पैरेलल एक्सिस से, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें लाइन में आप, ठीक है, आप यहां समझ गए होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तीन पार्ट में अलग हो गया ये, ठीक। लिखिए एज द बॉडी इज बैलेंस्ड, एज द बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट सीएम, एज द बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट सीएम द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एज द बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट सीएम द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट, वेट के ब्रैकेट में एम जी लिख दें, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सीएम मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। देखिए ये बॉडी है कोई, हर बॉडी अगर सीएम के अबाउट ये यहां पर बैलेंस कर दें तो जो वेट होगा, यहां पर कोई पार्टिकल नहीं एम जी, वो इसको इधर टॉर्क डालेगा, ऐसे घुमाएगा, आप सामने सामने देख लें इधर को, आपके तरफ से ये रोटेट हो रहा है, और जो इसके इधर पार्टिकल होगा वो दूसरे साइड में, एक क्लॉक वाइज तो दूसरा एंटी क्लॉक, इसका मतलब ये जो एम जी का जो टॉर्क लगेगा इसके अबाउट मोमेंट वो बैलेंस करेगा, एम जी फोर्स है और फोर्स के मोमेंट का मतलब है टॉर्क, समझ गए ना। यानी कि ये एम जी का जो टॉर्क होगा इसका सीधा मीनिंग ये हुआ कि सिग्मा एम आई जी आई इज इक्वल टू वन टू एन, और इसका मोमेंट ये तो एम आई जी वेट हो गया, इसका मोमेंट आर आई ये जीरो होगा, दोनों तरफ से बैलेंस होगा ये, ठीक। जी को यहां से कांस्टेंट है हटा दें, इसका मतलब आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, अब जरा इस इक्वेशन पर ध्यान दें, इस इक्वेशन में ये मास तो कांस्टेंट है, ठीक, एच कांस्टेंट है, एम आई और आर आई इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पोर्शन जीरो में चला गया, समझ गए ना। यहां पर देखें ये एच कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एम आई का जो है वो भी नोट कर दें, यहां पर जो सिग्मा एम आई है आई इज इक्वल टू वन टू एन, ये आपकी बॉडी का टोटल मास होगा, यानी टोटल मास, यहां नीचे नोट कर दें टोटल मास, ठीक है, ये एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री सबको ऐड करते जाओगे तो टोटल मास आ जाएगा,
अरे बात समझ में, तो यहाँ पर जरा चेक करके मुझे बताएं अब क्या बना फार्मूला, बोलो। आई ए बी इज इक्वल टू, जरा इसमें देखें आंसर, आई ए बी इज इक्वल टू एम आई, ये हो गया टोटल मास, हो गया ना। इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, और एक बात और समझ लें, पहली बात ये जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं ये क्या है, एम आई आर आई स्क्वायर, क्या चीज है ये, आई सी एम, तो आप इसकी जगह सीधे आई सी एम लिख सकते हैं प्लस, अरे बात समझ में, ये लिखा हुआ है आई सी एम, आप उसकी जगह सीधा नोट करें आई सी एम, ठीक। यहां पर चेक करें एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एम आई का टोटल मास एम हो गया, तो यहां पर मास बॉडी का और एम एच स्क्वायर ये फार्मूला बन गया। हमने वहां पहले डी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सीएम के अबाउट जो आपको मालूम है उसको यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए, एच डिस्टेंस ले लो जो बीच की होगी इनकी, और उसका स्क्वायर करें, मास मल्टीप्लाई करो, उसमें प्लस कर दो, जैसा कि अभी रॉड में आपने यूज किया था, ठीक है ना। तो फार्मूला फिनिश करें आप, कंप्लीट करें, इसके बाद ये नोट करें, इसको लिख दिया होगा आपने टोटल मास, और उसके बाद सीधे फार्मूला लिख दें, ठीक। आप समझ गए होंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखिए जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो पहली बात केवल प्लेन शीट के लिए होती है, वो 3D बॉडी में नहीं लगती कभी, उसको कभी 3D बॉडी में मत लगाना। 3D बॉडी का मतलब आप समझ रहे होंगे बात को, उसे कभी जो है वो सॉलिड स्फीयर कोन उनमें नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, रिंग में, डिस्क में, प्लेन शीट, केवल प्लेन लेमिना के लिए वो वैलिड है। इसका मीनिंग ये है परपेंडिकुलर का, जैसे मान लीजिए ये हमारी रिंग है ये, ठीक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके अबाउट मालूम है, ये कौन सा होगा, क्या बोला जाएगा एक्सिस, ये एक्सिस किससे पास हो रहा है, इसके सीएम से, और क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, जरा ध्यान दें। तो ये हमारा जेड डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन एक्स ले लें तो ये वाई होगा, ठीक। तो सीधी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये आई जेड होगा। इस मीनिंग भी समझ लें, आई जेड का मतलब है कि ये रिंग ऐसे रोटेट हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, समझ गए ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसी के अबाउट बॉडी रोटेट होगी। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये जेड डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे, आई जेड, ठीक है ना। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो कैसे रोटेट होगी, ऐसे, ये इसके अबाउट। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो कैसे होगी, ऐसे, ये आ रही बात समझ में। तो सीधा सिंपल है क्या, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, और किसके लिए, ओनली फॉर प्लेन लेमिना, ठीक। लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना, लेमिना में अंडरलाइन कर देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई लिखा करो शॉर्ट में, एम आई ऑफ ए लेमिना अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू, अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स एम आई, सम ऑफ इट्स एम आई अबाउट टू एक्सिस एट राइट एंगल्स टू एक्सिस अबाउट टू एक्सिस एट राइट एंगल लिखना, टू एक्सिस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन द प्लेन ऑफ लेमिना एंड इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एंड इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस, एंड इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस। यानी ये सिंपली थ्योरम है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस
आई वाई दोनों का सम। आई जेड का मीनिंग एम आई अबाउट जेड एक्सेस, आई एक्स का मीनिंग एम आई अबाउट एक्स एक्सेस। आई जेड एम आई अबाउट जेड एक्सेस, आई एक्स एम आई अबाउट एक्स एक्सेस, और आई वाई एम आई अबाउट वाई एक्सेस। अब आप कोई भी ऐसे प्लेन शीट बना लो और यहाँ पर ये एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस, और देखिए एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होते हैं, उसको आप 3D का डायग्राम है वो यहीं पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक, बहुत ही क्लियर चीज है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है ना। अभी हम डायग्राम बनाकर और यहाँ से आपको क्लियर करते हैं। तो इससे परपेंडिकुलर डाल दें, ये कोई हमने यहाँ पर पार्टिकल का ये मास ले लिया है, इसमें एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लाए जो कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर आएगी। ठीक, ये वाई के पैरेलल है लाइन, ये कोऑर्डिनेट एक्स होगा, और ध्यान दें जो परपेंडिकुलर डाला है इसका कोऑर्डिनेट ये वाई होगा। इसी तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर, तो ये कोऑर्डिनेट आपका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पर। ये बात मालूम है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो ये एक्स, ये वाई, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं 2D, यहाँ कोई पॉइंट लो और डालो जरा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट होती है? वाई। वाई पर डालोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगी? एक्स पर। और जरा यहीं देख लें डायग्राम में, देखिए ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर के लिए पार्टिकल यहाँ पर है प्लेन शीट में, है ना। तो हम इससे परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ पर गिरेगा? ओरिजिन पर सीधे, वो डिस्टेंस कौन सी होगी? जेड एक्सिस से। आ रही समझ में बात? तो यहाँ पर एक और लाइन को मिला, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेना, ये आर डिस्टेंस ले ली, ये बन गई डिस्टेंस जेड एक्सिस से। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इसका। ये पार्टिकल पी ले लिया, एक ये क्यू और ये आर, एक्स वाई जेड तीनों आपस में 90 डिग्री पर आए, ठीक है ना। कहीं डायग्राम फोर्थ क्वाड्रेंट में बना देते हैं, कहीं यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा मुझे ये बता दो कि अगर हम आई जेड निकालेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल का मास ले लो, अगर आई जेड निकालते हैं तो पार्टिकल का, स्मॉल पार्टिकल को लेकर आप मास डीएम ले सकते हैं, इसका मास डीएम ले सकते हैं। तो मास डीएम, बोलो डिस्टेंस कौन सी लें? आई जेड में जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, मास कितना है? डीएम। डिस्टेंस बोलो कौन सी लें? ओपी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही ना? तो ओपी स्क्वायर ये मास डीएम। अब जरा डायग्राम से देखो, जो ओपी स्क्वायर होगा वो ओक्यू स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर होगा, क्योंकि पाइथागोरस लगेगी। ठीक, तो यहां पर ओपी स्क्वायर जो है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर होगा, पाइथागोरस लगा दी। अब दोनों को सेपरेट कर दो, तो डी एम पी क्यू स्क्वायर प्लस डी एम ओ क्यू स्क्वायर। डायग्राम से देख कर बताएं, पी क्यू जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितनी है? वाई है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गई? एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये वाई स्क्वायर डी एम ये किसके अबाउट हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट। जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट, जब वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पर क्या लिख देंगे? सीधे आई, एक आई एक्स लिख दो, एक आई वाई लिख दो, और ये बन गया डेरिवेशन छोटा सा। आपके ये समझ में आ गया ना डायग्राम? यहां से देख लो फिर ये चीज जरा, ये एक्स, आप ये समझ रहे ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, देखो ये समझ गया ना डायग्राम। और यहाँ पर कोई पॉइंट अगर लेते हैं तो जेड एक्सिस से ये डिस्टेंस होगी, ये हमने डायग्राम में आर दिखाई है, क्योंकि जेड एक्सिस ये है, आप इससे परपेंडिकुलर डालो जेड पर तो कहाँ गिरेगा? इस पर। तो ये डिस्टेंस आर दिखाई है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर जो परपेंडिकुलर डाला वो वाई दिखाई है, जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला वो एक्स हो गया, समझ गए ना। और यहां से देख लो, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा,
आप 2D में ये बात समझते होंगे प्लेन पर, आप 2D में कोई भी अगर ट्रेंगल बना देंगे, ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, तो ये सीधे सीधे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। डायग्राम बनाया गया ऐसे, डायग्राम में एक्स वाई जेड तीनों कैसे हैं आपस में 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, समझ गए ना। तो ये थ्योरम है पैरेलल, और इसकी मेन जो क्वालिटी है वो यही है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो थ्योरम है वो केवल प्लेन शीट के लिए, 3D में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत सी जो बॉडी होती है ना, जैसे स्फेरिकल बॉडी है, उसमें 3D में जरूरत नहीं पड़ती है। जो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर होते हैं, उनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट जो MI होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि वो देखने में चारों तरफ से एक जैसी है। अब ये बॉडी है, चाहे आप ऐसे रोटेट कराओ स्फेरिकल में, और चाहे आप इस एक्सिस को और एक्सिस ले लो, वो बात तो एक ही है, समझे ना, इसलिए वहां नहीं जरूरत है इस चीज। अब आप हेडिंग डालें MI ऑफ रिंग, MI ऑफ थिन सर्कुलर रिंग डालें, MI ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, MI ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, ये जरूरी नहीं है कि किसी के क्लास में डेरिवेशन नहीं कराए तो अदर की जगह ना हो, डेरिवेशन इसमें एक दो क्लास में कराए जाएंगे और होम एग्जाम में आते भी हैं इनके, ठीक है ना, यहाँ कराए जाएं। तो रिंग का MI सबसे सिंपल डेरिवेशन है। देखिए, हम इसके डेरिवेशन डिटेल में इसलिए कराना चाह रहे हैं कि कैलकुलस का इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ये रिंग है, और हम जो CM मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो सेंटर के अबाउट, CM के अबाउट, CM इसका सेंटर पर होगा, ठीक। एक डेरिवेशन तो इसका दो ही लाइन का है, ठीक, एक थोड़ा बड़ा है, वो दोनों हम आपको क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो पहले बड़ा वाला करते हैं, देखिए यहाँ इसकी रेडियस अगर R है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल ले लो dx, ठीक, रिंग का मास m ले लो, मास ऑफ रिंग, नोट करें फटाफट, मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू m, ठीक, नेचुरल है। हमने क्या बताया, अभी तक जो आप फार्मूला जानते हैं वो किसका जानते हैं, पार्टिकल का। तो रिंग के ऊपर एक पार्टिकल चूज करो जिसका मास dm है और लेंथ dx ले ली, ठीक। तो मास ऑफ पार्टिकल dm और लेंथ, लेंथ ऑफ पार्टिकल dx है, ठीक। मास रिंग का m है, रेडियस r है, जरा मुझे बताएं dm कितना होगा, मास के लिए तीन चीजों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां कौन सा लगेगा, मास पर यूनिट, ये लेंथ लगेगा, रिंग में लेंथ का लगता है, एरिया का डिस्क में, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर में मास पर यूनिट वॉल्यूम, 3D बॉडी में, रॉड में क्या लगेगा, मास पर यूनिट लेंथ, ये भी लेंथ वाइज होती है रिंग, इसीलिए जरूरी है, क्योंकि रिंग वहां मालूम है क्या, 12th में क्वेश्चन है कि रिंग में चार्ज दे दिया पॉजिटिव पूरे में, अब बताओ फील्ड क्या है, तो वहां बैरेविल केस है, डिस्क में चार्ज दे दिया, समझ गए ना, इसलिए ये बेसिक फार्मूले हमें जानना जरूरी है। देखिए टोटल मास एम है, लेंथ कितनी लें, डिवाइड करो, ये यूनिटरी मेथड है, बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना, कितना होगी लेंथ, 2πr, और कितनी लेंथ निकालनी है, dx, तो dx मल्टीप्लाई कर, ये समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है कि 2πr लेंथ का मास एम है, तो 1 का कितना होगा, m अपान 2πr, तो dx का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए ना, या डेंसिटी से समझ लें, इसको क्या बोलेंगे, बोलो जरा, लिनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, समझ गए ना, लिनियर मास डेंसिटी क्वेश्चन में दी होती है, आप लोगों ने एक डायमेंशन में भी क्वेश्चन लगाया है और उसमें मास पर यूनिट लेंथ दी हुई थी, याद है ना, वहां लिखा हुआ था लिनियर मास डेंसिटी, समझ में आ गई बात, ठीक। अब जो स्मॉल पोर्शन है उसका DI इज इक्वल टू क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर, जरा डायग्राम पर ध्यान दें, ये मास dm है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है r, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm इंटू आर स्क्वायर, आ रही बात समझ में,
अब आई निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे हम, डीएम की वैल्यू भी यहीं पुट अप कर रहे हैं। बोलो एम अपान टू पाई आर डीएक्स कितना होगा यहां पर, जरा ये देखें, ये जो लेंथ आपने निकाल ली है यहां पर, ये लेंथ जो डीएक्स निकाली है यहां से, ठीक इस जगह पर ये हमने स्मॉल पोर्शन की लेंथ ली है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एम अपान टू पाई आर, आर स्क्वायर बाहर करो ये वाले, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के, बस डीएक्स बचा, ठीक है चेक कर लें। हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी डीएम की और ये आर स्क्वायर है, ठीक इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड डायरेक्ट हमने। लिमिट बोलो, लिमिट लगाना सीखना है। यहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, ध्यान दें डायग्राम पर, लिमिट वेरिएबल क्या है, एक्स है ना वेरिएबल, तो एक्स कोऑर्डिनेट, यहां से एक्स स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके कहां हुआ खत्म, फिर यहीं पर, तो जीरो से स्टार्ट होके कितनी लेंथ है, टू पाई आर, समझ गए ना। तो यहां पर जीरो और यहां टू पाई आर, पहले तो ये कैंसिल कर दो, आर कितना आया, एम आर अपॉन टू पाई, डीएक्स का इंटीग्रेशन बोलो, जल्दी बोलो, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, अब एक्स की जगह टू पाई आर वैल्यू पुट अप कर दो, तो हाफ एम आर ओवर पाई, इसकी जगह टू पाई आर, पाई से पाई कैंसिल करो, टू कैंसिल करो, तो एम आर स्क्वायर, ये रिंग का हो गया आपका डेरिवेशन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, हमने ऊपर लिख दिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन सर्कुलर रिंग, लिखा ना वहां पर, कहीं भी आप नोट कर दें या यहां लास्ट में नोट कर दो, देखो दिस इज द एम आई ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज द एम आई ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सीएम लिख दो, पासिंग थ्रू इट्स सीएम, हाँ अब एक बात आप देख लें, देखिए डेरिवेशन को हमारा एक पर्पस था इसको आपको समझाने का, इसमें जरा इधर ध्यान दें, आपने डीएम और आर स्क्वायर, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, ठीक एक छोटे से पार्टिकल का मास डीएम ले लो, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर स्क्वायर सबके लिए कॉमन है, छोटे छोटे डीएम डीएम में डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर सबके लिए कॉमन है, क्या बचा डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा एम, और ये दो लाइन का डेरिवेशन है ये आता है, समझ गए ना बात, रिंग का सीधा सीधा डीएम का एम, एक पार्टिकल का मास डीएम लिया है वो कैपिटल एम, हमने रिंग का मास मान लिया है, लिमिट यहां जरूरत नहीं है कुछ भी है, डीएम का मास सीधा एम, डीएक्स का एक्स यहां लगाना पड़ेगा, डीएक्स डीएक्स यहां वेरी, जैसे आप ऐसे समझ लें, लिमिट की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर लिमिट लगाएंगे तो मालूम क्या लिखेंगे, लाओ लगा दे रहे, जरा बताना लिमिट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, जीरो ले नहीं सकते हो मास को, चक्कर ये है मास जीरो कैसे हो सकता है, अगर लगाया भी तो जीरो से कैपिटल में लगते नहीं लोग लिमिट को, जीरो से हम लगा दोगे और क्या करोगे, तो उसकी जरूरत नहीं है, बात समझ गए, एक्स में चलेगा, एक्स में डिस्टेंस है, यहां से जीरो से स्टार्ट होके कहां तक टू पाई आर, तो सीधे लिखते हैं आप बी एम की जगह, ठीक है ना, जरूरत नहीं है उसकी आपको, इतना बड़ा वो डेरिवेशन नहीं है, तो एक लाइन का होता है, उसका कुछ काम नहीं है। अब जरा हमें एक बात बताएं कि जब लिख लिया है डीएम इंटू आर स्क्वायर, लिखो डीएम की जगह हम लिख दो, अब जिसके एग्जाम में सिलेबस में वो कराएं तो पहले वाला करना, क्योंकि लगभग 3 मार्क्स का आएगा, समझ गए ना, तो इसमें फिर वो नंबर नहीं देंगे, कहेंगे क्या कर दिया, ठीक है ना, इसलिए पूरा डेरिवेशन करना ठीक से जो है। अब मुझे एक बात बताओ जरा जल्दी, ये रिंग थी, हमने कौन से एक्सिस के अबाउट निकाला है एमआई, बोलो जल्दी, इसके परपेंडिकुलर, ठीक, अगर ये निकालें तो क्या करें, कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको,
एक्सिस क्या है, सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, हाँ, और टेंजेंट है, टेंजेंट है इस पर सरकमफ्रेंस पर, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो ये टेंजेंट ले रहे हैं, इसको क्या बोले कि एम आई ऑफ द रिंग, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस या टेंजेंट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लिखो जरा ऊपर, देखिए एम आई ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट ए टेंजेंट, एम आई ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, क्योंकि डायग्राम एक जैसे बनेंगे, ये टेंजेंट, और इसके अबाउट आपको मालूम है, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर है, और ये कोई भी नाम डाल देना ए ए डैश, तो आई ए डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर है, यहाँ भी एम आर स्क्वायर है, तो ये टोटल मिलाकर ट्वाइस एम आर स्क्वायर। फटाफट नोट करना जरा, समझ गया ना, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, मास लिया करो और डिस्टेंस का होल स्क्वायर एड कर दो सीधे। ये बना आपका परपेंडिकुलर था और टेंजेंट था उस पर, ठीक। अब जरा एक और बताएं जरा मुझे, इसमें क्या लगाएं, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर लिख दो, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, आई सी एम एम आर स्क्वायर अभी ड्राइव किया, प्लस एम आर स्क्वायर मिलकर ट्वाइस एम आर स्क्वायर। इधर देखें, ये कौन सा एक्सिस है, ये भी सी एम से पास हो रहा है, तो एलॉन्ग डायमीटर बोल सकते हैं आप। देखो ये अभी ये निकाला था, ये निकाल लिया, ये वाला, आ रही बात समझ में ना, ये क्या होगा, अबाउट एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर ले लो, ठीक, सीधे सीधे पासिंग थ्रू सेंटर है। लिखो जरा एम आई ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर ऑफ रिंग, एम आई ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग, हाँ देखो डायग्राम पर, एम आई ऑफ लिखा रिंग अबाउट एनी डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, ठीक, ये इसका सीएम होगा बीच में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और ये नेचुरल है कि आई एक्स और आई वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सिमेट्री है, समझ गया ये बात, दोनों एक जैसे, जो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई डायमीटर ले लो, ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, बात तो एक ही है, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन तो एक जैसा होगा ना, एक्स के अबाउट भी ऐसे ही है, वाई के अबाउट भी ऐसे ही है, कहीं भी एक्स बना लो, समझ में आ गई बात। अब कौन से थ्योरम लगाए बोलो, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक। आई जेड आपको मालूम है कितना होता है, आई जेड बोलो एम आर स्क्वायर, ये आई जेड है, ठीक, अभी ड्राइव किया है, आई एक्स और आई वाई इक्वल है तो लिख दो टू आई एक्स इज इक्वल टू, आई जेड कितना है एम आर स्क्वायर, तो आई एक्स इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, और इतना ही आई वाई होगा, ठीक है, नोट करो जल्दी, सारे फार्मूले लर्न करके रखने हैं, कम से कम रिंग और डिस्क के दो तीन जो हैं फार्मूले उनको बिल्कुल लर्न करेंगे। हाँ अब जरा चेक करें, ये देखो, अब जरा मुझे बताओ इसके अबाउट कैसे निकालें, ये आई एक्स आई वाई इक्वल था ना, तो टू आई एक्स हो गया, ठीक,
तो आई एक्स लिख दो हाफ एम आर स्क्वायर, और यही आई वाई होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जरा यहाँ देखें ये कैसे निकलेगा, इसके अबाउट टेंजेंट ए भी है, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल डायमीटर के कर दे रहा है, डायमीटर के पैरेलल है ना, टच कर रहा है, या प्लेन के पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन के पैरेलल। अब ऐसे शिफ्ट करेंगे यहां से, अब यहां पर कितना है हाफ एम आर स्क्वायर, अभी निकाला ठीक, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर यहां निकल आएगा ठीक। लिख दो फार्मूले में, ये आई सी एम अभी निकाला आपने हाफ एम आर स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर ये बन गया आपका ठीक। ये हमने लिखा है एम आई ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू द डायमीटर, या आप लिख सकते हैं कि अबाउट जो है वो टेंजेंट है इन द प्लेन ऑफ पेपर या इन द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है ना, पैरेलल टू द डायमीटर या इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो मुझे जरा एक बार लिखने से पहले रिवाइज करा लें, मैं क्लोज करता हूं, देखो जरा ये है इसके अबाउट, ये कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो फटाफट, एम आर स्क्वायर, इस पर कितना है एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, टू एम आर स्क्वायर, लर्न करने इन्हें प्रैक्टिस में, ये कितना है हाफ एम आर स्क्वायर, इधर 3/2 एम आर स्क्वायर, जैसा रोटेशन न्यूमेरिकल में होगा वैसा फार्मूला यूज किया जाएगा, जैसे का मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा ठीक है ना, उसके अबाउट है। तो ओके स्टूडेंट, हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ओके।